हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में, संदीपा मुकेश ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह से धूप निकल गई है अच्छी खासी आज तो। और आज तो मैं सुबह से किचन में आपके साथ डायरेक्ट किचन में ही मिलती हूँ, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे। और तो मैंने सोचा चलो फटाफट ब्लॉग भी चालू कर लिया जाए और आपके साथ सब्जी की रेसिपी भी शेयर कर ली जाए फटाफट वाली, क्योंकि आज कुछ भी सब्जी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बड़ा सोच के फिर मैंने ये मिर्च की सब्जी बनाई है। तो मैंने चलो चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और मेरी सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ मिर्ची, जो ये मोटी मिर्ची थी, ये ज़्यादा चरखी नहीं आती है, बिल्कुल फीकी मिर्ची आती है, तो उन्हीं को मैंने काट के और फ्राई कर लिया था हल्का सा। और फिर उसको निकालने के बाद फिर मैंने तेल डाल लिया है और उसमें जीरा डाल के, और ये जो पेस्ट देख रहे हो आप, ये इसमें है अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है ये। तो ये पेस्ट मैंने करके और यहाँ पे सेक लिया है। और आप इसमें सौंफ, राई, जीरा सब डाल सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ जीरा डाला है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरी एक गुड़िया सौंफ नहीं खाती, राई नहीं खाती, तो मुझे ना सिंपल सी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर ये सब सामान डाल दो ना तो बच्चे नहीं खाते। लेकिन आप सब सारा सामान डालना और सौंफ का तड़का ज़रूर लगाना, क्योंकि सौंफ से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं नहीं डाल सकती, लेकिन आप ज़रूर डालना। तो मेरा मसाला हो चुका था, उसके बाद मैंने सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और इसमें डालूंगी मैं टमाटर, टमाटर की ग्रेवी। तो मैंने 4 टमाटर लिए थे छोटे छोटे, तो उसी की ग्रेवी डाली है मैंने मसाला सीखने के बाद। और इसमें टमाटर की ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, तो उसको भी थोड़ी ज़्यादा ले ली थी मैंने। और उसके साथ आप टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से सेक लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप उसमें, आपके पास यदि मलाई हो, दूध की निकली हुई फ्रेश मलाई जो भी हो आपके पास, आप इसमें मलाई डालना, मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास फ़िलहाल मलाई नहीं थी तो मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने दूध डाल दिया उसमें थोड़ा सा। और ये देखिए दूध भी मलाई वाला ही था, लेकिन मलाई नहीं थी, तो काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन गई। और ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही यम्मी। और ये मिर्ची, ग्रेवी मेरी पक चुकी है अच्छे से और मैंने ये मिर्ची डाल दी यहाँ पे। तो ये सब्जी बिल्कुल भी चरखी नहीं हुई थी, आप लोगों को मिर्ची देख के लग रहा होगा चरखी नहीं हुई थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। हल्की सी आप चीनी डाल सकते हो यदि आपके घर पे खाते हो तो, वरना आप धनिया डालिए। और गरम गरम सब्जी पराठों के साथ, चावल के साथ खाइए। मुझे तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसे चावल के साथ खाई थी तो बहुत टेस्टी चावल लगे थे फिर। तो देखिए ये सब्जी का कलर और सब्जी कितनी अच्छी लग रही, सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और सबको घर में पसंद भी आई थी वैसे। और ये देखिए मेरी सब्जी बन गई, जब कुछ नहीं हो तो ये सब्जी बनाओ। और यहाँ पे मेरा फिर, जैसे मैंने आपको बताया, खाना हो चुका था, सब्जी बन गई थी, रोटी भी बन गई थी, सबने खाना खा लिया था। यह सब्जी थोड़ी सी बची जो मैंने कटोरी में निकाल के रख दी है, और अब खाना रख देती हूँ, क्योंकि भैयू गया है स्कूल और गुड़िया गई है, तो वो दोनों आएंगे तो वो खाएंगे। बाकी हस्बैंड जी, ससुर जी ने सबने खा लिया था। और अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, तो और ठंड बहुत है, ठंड बहुत लग रही है। आप लोगों से मैं मिलती हूँ अभी आखिरी में। ठंड बहुत थी, बहुत सुबह का टाइम रहता है ना तो ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन काम करते रहो ना तो फिर ठंड नहीं लगती। तो ये मेरे बर्तन, और मेरा किचन बड़ा छोटा सा है, मुझे बड़े संभल के काम करना पड़ता है। क्या करें यार, छोटा सा किचन है, जगह ही नहीं रहती है, तो इधर उधर सामान रखना भी पड़ता है। लेकिन मेरा छोटा सा किचन मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो देखिए मेरे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, अब गैस साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। बस किचन साफ़ करने के बाद दूध गर्म करना है, क्योंकि दूध भी आ चुका है और दूध मैंने रखा नहीं था, क्योंकि इधर खाना बना बना रही थी, तो मैंने सोचा साफ़ सुफ करके आखिरी में ही रखूँगी। और ये भैया आ गया है, इसका गला दुख रहा था तो इसने पानी गर्म पिया है, स्कूल से आ चुका था, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं ना तो ये जल्दी आ जाता हैगा। तो ये है, मेरा किचन क्लीन हो चुका है और अब मैं रखूँगी दूध गर्म, तो ये मेरा दूध हो गया है। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको, और दूध हो जाएगा ना, धूप में बैठूँगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलो आप लोगों से मिलती हूँ, हो गया है मेरा किचन क्लीन। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में, संदीपा मुकेश ब्लॉग में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो सॉरी, सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, खाना भी खा लिया है मैंने, और बस अब किचन भी साफ हो गया, सारा काम हो गया किचन का।
अब ठंड लग रही है, दूध गर्म हो जाए तो मैं थोड़ी देर धूप में जाऊंगी, थोड़ी देर धूप में बैठूंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हैगी। और खाना ना खाओ और फिर काम कर लो ना तो ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगने लग जाती है। तो आपके उधर भी बहुत ठंड पड़ रही होगी ना, यहाँ पड़ने लगी अब एंड अभी ये 5-6 दिन से थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। तो देखो चोटी वोटी मैंने कुछ नहीं करी है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी थी, बस नहा ली और खाना बनाने के लिए चली गई थी मैं। तो खाना ना बन गया, सारा काम हो गया, मेरे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ी सी धूप खा ली जाएगी। और कैसे हो आप लोग, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, इसके लिए थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो कमेंट करते हो, कुछ बताते हो, रिप्लाई करते हो ना मेरे वीडियो का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह करते रहिएगा, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, है ना। और जो सब्ज़ी मैंने बनाई है उसको प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही टेस्टी होनी थी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको एक कल एक नए वीडियो के साथ, तो कल तक के लिए बाय। देखो हाथ मेरे ठंडी 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 ठंडी, बाय। बर्तन मांज के आई हूँ ना तो हाथ ठंड लग रही है, बस दूध गर्म हो जाए और मैं जाती हूँ। तो देख सकते हो आ गई हूँ मैं धूप में अपनी फ्रेंडों के साथ, और ये देखिए इतनी अच्छी धूप लग रही ना, मिठी मिठी मिठी। तो ये देखिए छोटा सा बाबू गोद में लेटा और देख रहा है मुझे। मैं उसको बोल रही थी मैं तेरी फोटो ले रही हूँ, तेरी फोटो ले रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी धूप का मजा ले लीजिए। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको।